जाने मस कल हम लोग क्या रही टोटल तीन वीडियोस और भाई कसम से तीनों वीडियो में तुमको मौज आ जाएगी। कल भी दो वीडियोस आई थी पर जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेना। ये वर्ल्ड कप कैसा चल रहा है ना भाई, कंटेंट डाइजेस्ट करने तक का टाइम नहीं दे रहा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि तुमको नोटिफिकेशन आए। सालों तीनों वीडियो जरूर देखना, सब आपस में कनेक्टेड रहेगी। ओहो हो भाई साहब, जो मेरी सुबह नींद खुली है खुली ही रह गई, अब पता नहीं आएगी भी या नहीं। ये क्या है? क्या है ये? कुछ भी खेल सकते पाकिस्तानी फैंस तो भाई एकदम सुबह बिग बॉस वालों जैसे उठे होंगे, एकदम नाचते नाचते उठते ही। नीदरलैंड्स की टीम को ये कराची वराची गिफ्ट ना कर दे भाई खुशी खुशी में। क्या वर्ल्ड कप है भाई ये, मतलब अफगानिस्तान के अलावा कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिन्होंने एक मैच ना जीता हो। आयरलैंड ने अपसेट किया, जिम्बाब्वे ने अपसेट किया, हमको लगा चलो भाई हो गया इस वर्ल्ड कप का, पर नीदरलैंड्स ने बोला एक लास्ट और पक्का प्रॉमिस। इंडिया के हर मैच के पास पाकिस्तान बोलता था चीटिंग चीटिंग, अब इस बार ये उल्टा उनपे ही लग गया क्योंकि शकीब अल हसन को एम्पायर ने दे दिया गलत आउट। अलग ही बवाल और कॉन्ट्रोवर्सी हो गई भाई इस चीज पर, और गलत डिसीजन भी दिया तो ऑन फील्ड एम्पायर ने नहीं दिया बल्कि थर्ड एम्पायर ने दिया। बॉल बैट से लगी थी फिर भी आउट दे दिया। कुछ इंडियन फैंस का कहना था कि पाकिस्तान ने थर्ड एम्पायर्स खरीद लिए। कहां से है पैसे? मुझे नहीं मालूम कहां से। मालूम नहीं तेरे को? वो चिकन बिरयानी नहीं खरीद पा रहे यार, तुम थर्ड एम्पायर की बात कर रहे हो, ये गलत है भाई। अरे पाकिस्तान वाले खुद कबूल कर रहे हैं। इंडियंस, पाकिस्तान ने एम्पायर्स खरीद लिए हैं, पाकिस्तानी इधर जहर खाने का पैसा नहीं है। बाबर आजम ने बांग्लादेश के अगेंस्ट जो इनिंग्स खेली है ना भाई, पाकिस्तान के फैंस खुद खुश हो रहे थे उसके विकेट पर। पाकिस्तानी फैंस, तुम्हारा तो मूड था वर्ल्ड कप में आने का, पर एक बार बाबर और रिजवान से भी तो पूछ लेते उनका मूड है या नहीं। पाकिस्तानी बॉलर्स जितना दम लगा के अपोनेंट्स को रोकते हैं ना भाई, इनके ओपनर्स उतना ही बैलेंस कर देते हैं। एक तो ये नो बॉल पीछा नहीं छोड़ रही पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग से। फिर से ट्विटर पर बवाल हो गया नो बॉल को लेके, पर इस बार भाई बांग्लादेश की लग गई। ये किस एंगल से नो बॉल लग रही है भाई साहब? ये एम्पायरिंग का लेवल जिस हिसाब से गिरता जा रहा है ना भाई दिन पर दिन, मेरे को लग रहा है तीन एम्पायर्स की जगह पूरी एम्पायर्स की कमेटी बिठानी पड़ेगी एक डिसीजन के लिए। पर मुझे सबसे ज्यादा चिंता थी वो टकले की, वो खुशी नहीं होता था यार, पर इस बार वो खुश हुआ। इस टकलू चाचा से याद आया भाई, इस बार इतने तगड़े तगड़े मीम्स बने। टीम्बा बहुमा पाकिस्तान को उठाते हुए और पीछे से नीदरलैंड्स आवाज मारता हुआ पाकिस्तान पाकिस्तान। ओहो हो, पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए उठा दिया भाई साहब, बहुत ही उमदा प्रदर्शन। नीदरलैंड्स हरामखोर, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश राइट नाउ। भाई सुबह उठे और खेल ही बदल गया पूरा वर्ल्ड कप का यार। नीदरलैंड आफ्टर हेल्पिंग बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। दुनिया गाय को खिलाती है, कुत्तों को खिलाती है, लेकिन एक बार इन सुअरों को खिला के देखो, स्वर्ग मिलेगा स्वर्ग। ओ भाई, बात तो सही है भाई, नीदरलैंड्स तुमने तो बहुत पुण्य का काम कर दिया यार। पाकिस्तान आफ्टर वॉचिंग नीदरलैंड्स वर्सेस रशिया में लकी फिनिश। बिल्कुल अभी तक मैं जिंदा हूँ सालो। ये तो भाई सुबह सुबह चद्दर में से उठे होंगे और देखा होगा भाई साहब ये क्या हो गया, हम क्या सेमीफाइनल में आने वाले। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान तैयारी करते हुए एयरपोर्ट जाने के लिए, और उधर साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड्स। एपिक भाई एपिक। बापूजी, साउथ अफ्रीका नीदरलैंड बांग्लादेश सबने मेरी मदद की सेमीफाइनल तक पहुंचने में, आपने क्यों नहीं की? एपिक एपिक। इंडिया कहाँ हो आप? पाकिस्तान सेमीफाइनल में है अपुन। अब पाकिस्तान वाले भी मीम्स बनाने लगे भाई साहब। पाकिस्तान इंडिया इन ग्रुप टू, आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। या वेरी मच एंजॉयिंग यार पाकिस्तान वालों सालो। एयरपोर्ट सेमीफाइनल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम शर्मनाक हार के बाद कुछ इस अंदाज में दिखे टिम्बा बहुमा। अरे भाई इनके थंबनेल नहीं रुक रहे यार। आईपीएल स्क्रिप्ट राइटर, पीएसएल स्क्रिप्ट राइटर, टी20 वर्ल्ड कप स्क्रिप्ट राइटर, इसकी तो भाई बहुत डिमांड है बॉलीवुड सस्पेंस मूवीज में। क्रिकेट तो बचा ही नहीं अब ये। इंटरनेशनल आरसीबी, अरे यार भाई इनको अलग टैग दे दिया इंटरनेशनल आरसीबी का। पाकिस्तान ले आ गया मैं सेमीफाइनल में, क्या उखाड़ लिया तुमने? इंडिया तू आया नहीं है, तुझे लाया गया है। गर्ल्स, तुम्हें वाकई में क्रिकेट देखना पसंद है या सिर्फ मुझे देखने के लिए क्रिकेट वॉच करती हो? वाह इफ्तिकार भाई हॉटी। साउथ अफ्रीका टेम्बा बहुमा, चलने दो मैच। साउथ अफ्रीका के कितने कैप्टन चेंज हो जाए इनकी किस्मत चेंज नहीं होनी भाई। अदर्स क्वालिफाइंग टीम साउथ अफ्रीका, भाई इतना अच्छा मौका था साउथ अफ्रीका के पास, हक दी। क्या नीदरलैंड्स को हरा के क्वालिफाई करना है? वो क्या होता है ब्रो? टेम्बा बहुमा भाई बैठे तो ऐसी स्टाइल में जैसे रिकी पॉन्टिंग हो। पाकिस्तान टू इंडिया सेमीफाइनल्स, पापा मैं आ गया। बेटा क्यों आया? विच टीम इज द चोकर इन क्रिकेट? द साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम। परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन भाई भाई। पाकिस्तान बी लाइक द अंडरटेकर, सातवीं बार जन्म लिया एक ही वर्ल्ड कप में। साउथ अफ्रीका टू
आईसीसी इवेंट्स, बस तुम्हें देख लिया, अब तुम जाओ। ओएमजी आई लव दिस चोकर्स, एवरीवन इज अ चोकर अंटिल द रियल चोकर अराइज। अफ्रीका इज द लेजेंड। एबीडी और फाफ डुप्लेसिस भाई इसीलिए चलेगा कि रहने दो यार इनसे ना हो पा रहा। यू आर नॉट अ क्लाउन, यू आर एंटायर सर्कस अफ्रीकन टीम। नोबडी साउथ अफ्रीका इन एवरी आईसीसी टूर्नामेंट। पिताजी मैं फिर से फेल हो गया। और फेल भी ऐसे नहीं होते भाई, एकदम ऐसा लगता है अरे ये तो टॉप करने वाले टॉप करने वाले, फिर जब रिजल्ट आता है फेल। साउथ अफ्रीका टू पाकिस्तान इन एवरी आईसीसी इवेंट्स। अरे कब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूं। नीदरलैंड्स बॉर्न फ्रॉम अफ्रीका, पाकिस्तानी फैंस बी लाइक। भाई मैं सुबह उठा, मेरे मैनेजर ने मेरे को बताया कि अफ्रीका हार गया। मेरे को लगा भाई मजाक कर रहा है, मैं लेट उठा इसलिए ये बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई अफ्रीका हार गया। मैंने देखा मेरी होश ही उड़ गए। मी चेकिंग द स्कोर कार्ड ऑफ साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड। अल्लाह जादू। पाकिस्तान ऑन देयर वे ऑन ट्विटर टू कांग्रेचुलेट नीदरलैंड्स। एकदम से भाई नीदरलैंड्स की पूजा करने लग जाएंगे लोग। साउथ अफ्रीका इन एवरी आईसीसी मेजर टूर्नामेंट। मुझे घर जाना है। ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ साउथ अफ्रीका चोक। तो बस यार आज के वीडियो के लिए, बाकी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऐसे तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो और इस बाइक को मत भूल जाना यार।